सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और इस बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। एक वनडे में सबसे अधिक चौके लगाने वाले टॉप बल्लेबाज जाने कितने चौके लगाए थे रोहित। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। नंबर 4 मार्टिन गप्टिल 24 चौके वर्सेस वेस्ट इंडीज। क्वी सलामी बल्लेबाज मार्टिन गप्टिल संयुक्त रूप से इस सूची में चौथे स्थान पर है। गप्टिल ने ICC वर्ल्ड कप 2015 में वेस्ट इंडीज के विरुद्ध 163 गेंदों पर 11 गगनचुंबी छक्के लगाने के साथ साथ 24 चौके भी लगाए थे। गप्टिल के अलावा सनत जयसूर्या, डेविड वार्नर और फखर जमान ने भी वनडे मैच में 24-24 चौके लगाने का कारनामा अपने नाम किया है। नंबर 3 सचिन तेंदुलकर 25 चौके वर्सेस साउथ अफ्रीका। भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर वनडे मैच में दोहरा शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज थे। सचिन ने इसी मैच में पहली बार वनडे में 25 चौके लगाने का कारनामा भी किया था। पूर्व दिग्गज ने साउथ अफ्रीका के विरुद्ध ग्वालियर के मैदान पर 147 गेंदों पर 25 चौके लगाए और 3 छक्कों की मदद से नाबाद 200 रनों की पारी खेली थी। नंबर 2 वीरेंद्र सहवाग 25 चौके वर्सेस वेस्ट इंडीज। भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग भी इस सूची में संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर है। सहवाग ने 2011 में वेस्ट इंडीज के विरुद्ध इंदौर के मैदान पर 149 गेंदों पर 25 चौके और 7 छक्कों की मदद से 219 रनों की पारी खेली थी। नंबर 1 रोहित शर्मा 33 चौके वर्सेस श्रीलंका। वनडे मैच की पारी में सबसे अधिक चौके लगाने का वर्ल्ड कप भारत के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा के नाम है। हिटमैन ने 2014 में श्रीलंका के विरुद्ध कोलकाता के ईडन गार्डन मैदान पर 173 गेंदों पर 33 चौके और 9 छक्कों की मदद से 264 रनों की पारी खेली थी। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।